1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 की फोटो कॉपी है। इसलिए आज जो संविधान में आपकी बीमारियों का कहीं कुछ इलाज नहीं है ना, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था। तो हम कहते हैं संविधान 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 में एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है, इसलिए सेकुलर भारत भी है। लेकिन उसके बावजूद भी 5,500 करोड़ का मुसलमानों का सच्चर कमीशन का बजट है, जिसमें मुसलमान युवा बच्चों को सिर्फ 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, वो वापस न करें कोई फर्क नहीं। इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशन का कई हजार करोड़ का बजट है, इसी तरीके से मुस्लिम मुस्तफा बोर्ड का बजट है, इसी तरह मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड का अलग से। तो जब भारत सेकुलर है तो फिर ये क्यों है? फिर ये क्यों है? तो सब तो आपके मंदिरों पे जो पैसा आप चढ़ाते हैं, जो बात मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ, खासतौर से महिलाओं से कह रहा हूँ, आपके मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है उसकी दो मिसाल देता हूँ। पूरे देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, एक है देवस्थानम बोर्ड तिरुपति, हर साल जितना पैसा चढ़ता है उसमें से 1,300 करोड़ रुपया हर साल सरकार देती है। वैष्णो देवी आप जाते हो, माता पे चादर चढ़ाते हो और सब कुछ चढ़ा के आ जाते हैं, वहां से 520 करोड़ रुपया सालाना जाता है। आपके मंदिरों से अरबों पैसा, जितना पैसा सरकार का बजट नहीं है उसके बराबर का पैसा आप चढ़ा के आते हो, आप सोने का मुकुट चढ़ाते हो, वो पैसा सरकार लेती है और उसी पैसे से ये सरकार मुसलमानों की स्कीम चला रही है, IAS बना रही है, PCS बना रही है और गला काटने वालों को सरकार पैसा दे रही है। इन मुद्दों को आपके नेता उठाते हैं ना आपके लोग उठाते हैं कि भाई जब आप चर्च से पैसा नहीं लेते, आप गुरुद्वारे से पैसा नहीं लेते, आप चर्च किसी और मजहब से नहीं लेते, तो भारत के मंदिरों पे तो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, इस पर सरकार पैसा कैसे लेती है? फिर दूसरा, सारे सरकार ने जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनका नियंत्रण जो है वो सरकार ही सरकारी हो गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर अब्दुल रहमान है तो आपके मंदिर उसके अंडर में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के ठेकेदार जो हिंदुत्व की सुबह से शाम तक बात करते हैं, वो वैष्णो देवी के ट्रस्ट में 20 मुसलमान क्यों है ये नहीं पूछते। इसलिए आपसे मैं सबसे कह रहा हूं, पैसा मंदिर पे मत चढ़ाइए, वो पैसा आपकी गर्दन काटने वालों के पास जाए। जब तक ये पैसा आपका है, मुझे छोड़ के ऐसे पागल इस देश में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उनको जाइए उनकी जेब में 10 रुपए रख, उनको पहचाने कैसे सर? सब इस दौर में सब साफ है, सबको पता है। इसलिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने विष्णु शंकर का जिक्र किया, एक साधारण परिवार का लड़का अपने पैसे से फ्लाइट की टिकट लेता है, बनारस में उसके ऊपर हमला होता है, बनारस में फिर हम जाके चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, उसे सुरक्षा, ये सार्वजनिक मंचों से नहीं कही जा सकती। हमको पैसा कोई आया उनके साथ 2,000 रुपये ले लीजिए, हम